वेल हेलो एवरीबॉडी, आप सब कैसे हैं? आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन एंड आई होप जो कोविड सिचुएशन सब जगह पे चल रही है वो धीरे धीरे अब बेटर हो रही होगी। न्यूजीलैंड में भी यहाँ पे अब सिचुएशन थोड़ी बेहतर हुई है, हालांकि कुछ केसेस कुछ दिनों में यहाँ पे आ गए थे, लेकिन अब थोड़ी सिचुएशन ठीक है। तो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो है मेरी वेट लॉस जर्नी पर। अगर आपने मेरी पीछे वाली दो तीन वीडियोस देखी होंगी तो मैंने वहाँ पे एक जिक्र किया था, मैंने अपने वेट लॉस के बारे में बताया था कि मैं बहुत ही जल्द अपना वेट लॉस का जो जर्नी है वो स्टार्ट करने वाली हूँ, विच मीन्स कि मैंने अपना डाइट प्लान चेंज किया है। तो मैं उसके बारे में आपको बता दूँ, फ़िलहाल तो मैं अपने बेड से बैठ के बात कर रही हूँ आपके साथ, बट मैं आपको बता दूँ मैंने शायद वो जो लास्ट वीडियो थी वो मैंने आई बिलीव 2 वीक्स मे बी 3 वीक्स आई थिंक पहले मैंने पोस्ट की थी, और तब से लेके अब तक आप अगर 3 हफ्ते काउंट कर ले तो इन 3 हफ्तों में मेरे में बहुत फ़र्क आया। मैंने लास्ट टाइम जब अपना वेट चेक किया था तो मेरा वेट तकरीबन 55.5 या 55.7 कुछ इतना था, इससे ऊपर नहीं था। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ आफ्टर फॉलोइंग माय हेल्थी डाइट प्लान, मेरा वेट जो है 51.7 केजी है आज के दिन में, मैंने आज ही चेक किया है। सो विच मीन्स खा पी कर हेल्थी फूड खा कर भी आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। पहले कैसे होता था, अगर मैं लास्ट ईयर की ही बात करूँ, मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू की थी क्योंकि पिछले कुछ सालों से अचानक से ही मैंने वेट पुट ऑन करना शुरू कर दिया था, जो कि यूजली मेरी बॉडी में इतनी टेंडेंसी नहीं है कि मैं जल्दी से वेट पुट ऑन करूं। बट ये मे बी शायद विद एज आप धीरे धीरे आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है, स्ट्रेस भी एक फैक्टर होता है जो आपकी बॉडी को बहुत अफेक्ट करता है, तो वो सारी चीज़ों को देखकर मेरी बॉडी को इतना ज़्यादा अफेक्ट हुआ था कि मैंने तंग आकर, मैंने हालांकि बहुत सारे डाइट प्लान्स पहले भी फॉलो किए लेकिन कभी कुछ भी मेरे पे वर्क नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने जैसे बाकी लोग करते हैं बहुत सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखी, बहुत सारी, और मेरे कुछ फ्रेंड भी हैं जिन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की, तो वो उन सबको देख कर मैंने भी इंटरमिटेंट फास्टिंग की, और आई थिंक मैंने तकरीबन 5 या 6 महीने मैक्सिमम 6 मंथ्स, लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ लास्ट ईयर, सो मैक्सिमम 6 मंथ्स तक मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग जो शुरुआत की थी, मैंने वो जो विंडो होती है 16:8 वाली, मैंने वो फॉलो की, वो मुझे इतनी अच्छी लगने लगी, मेरी एक हैबिचुअल मुझे हो गई थी क्योंकि मुझे रिजल्ट दिखने शुरू हो गए थे, क्योंकि जब आप खाते ही नहीं कुछ थे तो डेफिनेटली आपका वेट कम ही होगा। मुझे इतनी ज़्यादा आदत हो गई थी कि मैंने जो फास्टिंग करती थी मैं 22 और 23 आवर्स की फास्टिंग शुरू कर देती थी, मैंने इतना इतना टाइम की मैंने फास्टिंग किया है। उससे क्या हुआ, मैं लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ, अब की बात मैं बाद में करूँगी, तो लास्ट ईयर इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करने से पहले मेरा वेट अबव 58 हो गया था, अबव 58 केजी, और मेरा फेस भी अगर देखते तो तब इतना और अजीब सी लगने लगी थी, मैं अब खुद से नफरत होने लगी थी कि ये मुझे क्या होता जा रहा है। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बाद अराउंड 23 आवर्स की फास्टिंग करने के बाद मेरा वेट, यू विल नॉट बिलीव, मेरा वेट 49 केजी हो गया था, 49 केजी, जो कि एक मेरेकल था मेरे लिए। बट जब मैंने इतना टाइम फास्टिंग किया और क्योंकि मुझे आदत हो गई थी उस चीज़ की तो मैंने उसको कंटिन्यू रखा, बट देन ऑल ऑफ सडन बीच में क्योंकि मुझे शोल्डर इंजरी हुआ और मेरा सब कुछ जो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग था सब रह गया, लेकिन मैं डाइट फिर भी मेरी ठीक थी। लेकिन मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया या ये जो हम इतनी क्रैश डाइटिंग वगैरह करते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं, मुझे बाकियों का नहीं पता, बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए वो वर्कआउट नहीं करती हैं। मे बी एक पर्टिकुलर एज के लिए ठीक होगा क्योंकि उसमें आपको प्रॉपर वाइटामिन्स आपके आपको नहीं मिलेंगे, प्रॉपर मिनरल्स नहीं होते आपके, आप सिर्फ कार्ब्स को आप कार्ब्स नहीं खाना चाहते, हालांकि सब लोग ये बोलते हैं कि कार्ब्स मत खाओ कार्ब्स मत खाओ, कार्ब्स भी खाने चाहिए, कार्ब्स खाकर भी होगा, इस बार मैंने वही किया है,
तो जब मैंने अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग लास्ट ईयर नवंबर में जब मैंने छोड़ी, मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी, तो मैंने इतना ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया था। फिर अभी रिसेंट में जब 3 वीक्स बैक की अब मैं बात कर रही हूँ, तो मेरा वेट अराउंड 55.7, एज आई सेड कि मेरा उतना वेट हो गया था। लेकिन 3 वीक्स पहले मैंने प्रॉपर अपना इंडियन डाइट प्लान, जी अपना प्रॉपर इंडियन, जो हम रोटी खाते हैं, प्रॉपर वाइट राइस खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, दही वही, दूध, प्रॉपर दूध वूध पी के मैंने आज अपना वेट 51.7 केजी किया है। मुझे खुद में फ़र्क लग रहा है। और आज ही इनफैक्ट जो लोग मेरे साथ रहते हैं सारा दिन, उन्होंने मुझे बोला कि मेरा चेहरा अब इतना सा हो गया है, और मतलब मैं बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह लगने लगी, जो कि कॉम्प्लीमेंट है, सो इट्स गुड। तो मैं आज स्पेशल ये वीडियो बना रही हूँ उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वर्कआउट करती है। वो वर्कआउट करती है, क्योंकि जब आप सारा दिन कुछ नहीं खा रहे हो, वो डेफिनेटली वर्कआउट करेगी। बट प्लीज़ प्लीज़ हाथ जोड़कर बेनती है कि उसको लॉन्ग टर्म उसको मत रखिए, खा पी कर अपना जो है वेट लॉस कीजिए। तो मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट डाइट प्लान की जो मेन चीज़ें जो मैंने फॉलो की हैं, बाकी हर किसी का अपनी बॉडी पे होता है। यूजली मेरे पे भी इतना जल्दी असर नहीं करता, बट इस बार बिल्कुल मिरेकल हो गया कि 3 हफ्तों में ही मैंने इतना ज़्यादा वेट लॉस किया है और मैं अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने 3 हफ्ते मैंने क्या किया है सुबह से लेके रात तक। अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि मेरा ऑफिस जो है मैं अर्ली स्टार्ट करती हूँ, तो सुबह घर से निकलने से पहले तकरीबन 6:15 के आसपास, विच मीन 6:15 AM, मैंने 5 आलमंड्स आप ले सकते हो, या आप सोक्ड आलमंड्स ले सकते हो, अदरवाइज वैसे भी आप ले सकते हो। तो मैं 5 आलमंड्स लेती थी। मैंने नींबू पानी, जो वॉर्म ल्यूक वॉर्म वाटर जिसको हम बोलते हैं लेमन वाटर, कोई शुगर नहीं उसमें, कुछ नहीं, बस एक गिलास वो पानी पियो। फिर उसके बाद तकरीबन 8:30 के आसपास, ऑफिस जब मैं होती थी 8:30 या 9 बजे तक, मॉर्निंग में मैंने ओट्स लिए हैं, बिल्कुल प्लेन ओट्स, इंस्टेंट वाले हों या जो भी हो, या रोल्ड ओट्स आते हैं, स्टील का ओट्स आते हैं, आप कोई भी ले सकते हो, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसमें शुगर नहीं डालें, चाहे वो ब्राउन शुगर है, कोई रॉ शुगर है, वाइट शुगर है। अगर आप डालना चाहते हैं तो स्टीविया मार्केट में आता है, या शुगर फ्री आते हैं, आप उसको यूज़ करो। और अगर आप कुछ भी नहीं डालना चाहते तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप ओट्स को लें, ओट्स को क्वांटिटी में लें, जैसे मार्केट में मेजरमेंट कप्स आते हैं, तो आप प्लीज़ उन मेजरमेंट कप्स को बाय करें। अदरवाइज एक कटोरी, जैसे हम नॉर्मल होती है, एक कटोरी में आप अपने ओट्स को लें, या मैं बोलूँ कि 3 टेबलस्पून या 4 टेबलस्पून ओट्स को लें, और उसमें जो है लो फैट मिल्क को यूज़ करें। लो फैट मिल्क ही यूज़ करें, क्योंकि उसी से फ़र्क पड़ेगा। लो फैट कर ले, ऑर्गेनिक मिल्क आता है वो कर लें, या फिर हम बोलते हैं जैसे ट्रिम मिल्क होता है, कैल्सी मिल्क होता है। कहने का मतलब ये है कि लो होना चाहिए इन नेचर, तो आप वो मिल्क यूज़ करें। तो मैं ऐसे करती थी, मतलब जैसे मैं हफ्ते की बात बताऊँ, मैंने एक दिन ओट्स लिया मॉर्निंग में, प्लस उसके साथ समटाइम्स, नॉट एवरी डे, समटाइम्स ओनली ओट्स इन द मॉर्निंग। फिर अगले दिन जैसे होता था तो मैं होल मील ब्रेड आती है, जिसको हम व्हीट मील ब्रेड भी बोलते हैं, तो वो 2 स्लाइस लेती थी, वेजिटेबल्स उसमें डालकर, वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो ब्रेकफास्ट में ले लिया। और उसके साथ आप लो फैट मिल्क 1 ग्लास पी सकते हैं जिस दिन आप सैंडविच खा रहे हैं। तो ये मेरा मॉर्निंग का होता था। उसके बाद तकरीबन 12 बजे के आसपास, विच मीन्स बिफोर लंच, सो 12 बजे के आसपास या 12:30, आप डिपेंड करता है कि आप लंच कब लेते हैं, तो बिफोर लंच आप 1 घंटा पहले आप कोई भी फ्रूट लें, कोई भी फ्रूट लें, आप पियर्स ले सकते हैं, आप मौसमी ले सकते हैं, ऑरेंजेस ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, वाटरमेलन, जैसे अब यहाँ न्यूजीलैंड में समर्स चल रहा है तो यहाँ हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वाटरमेलन आप ले सकते हैं। लंच के टाइम पर, हमारा लंच बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि लंच के टाइम पे आप प्लीज़ कोशिश करें
कि आप सिर्फ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें। मैंने इन 3 हफ्तों में सिर्फ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाई है, मैंने कोई दाल नहीं खाई है, कुछ नहीं ऐसा खाया। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि डिनर में आप दाल बिल्कुल ना लें। दाल में प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन अगर आप दाल लेना चाहते हैं तो सिर्फ लंच में लें, डिनर में मत लें। सो आप पर ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ब्रोकली है, मैंने जो यूज़ किया मैं उसकी बात करी, मैंने ब्रोकली खाई, मैंने सब चीज़ें जैसे मिक्स्ड वेजिटेबल्स बना के मैंने वो सब्ज़ी बनाई थी, ब्रोकली थी, कैबेज था, पार्सले मिलता है, फिर आप स्पिनच ले सकते हैं जो सबसे अच्छी चीज़ है। तो आप ये सारी जितनी ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स हैं आप उनको यूज़ करें। एंड यस, 1 बोल ऑफ सैलेड, सैलेड बहुत ज़रूरी है लंच में। 1 बोल ऑफ सैलेड आप ज़रूर लें, उसमें आप क्यूकम्बर ले सकते हैं, टोमेटो ले सकते हैं, या मिक्स्ड जो भी कैबेज मिक्स्ड आता है, जो आपको सैलेड में अच्छा लगता है आप वो लें, बट ज़रूर लें। प्लस उसके साथ आप रोटी भी खाएं। रोटी अब ऐसा है कि रोटी आप एक खा सकते हैं या दो, बट दो से ज़्यादा मत खाएं। अब रोटी में मैं कैसे करती थी, मैंने वीट आटा, जो नॉर्मल हमारा गेहूँ आटा होता है, मैंने गेहूँ आटा मिक्स करके प्लस जो हमारा ज्वार का आटा, हम जिसको बार्ले हम बोलते हैं, मैंने उन दोनों आटे को मिक्स करके मैंने वो बनाया, डो बनाया, और उसकी मैंने रोटियां बनाई, और वही मेरे पे अब वर्कआउट कर रहा है। तो अगर आप सिर्फ वीट की रोटी खाना चाहते हैं तो आप वीट भी बना सकते हैं, गेहूँ की जो हम रेगुलर एवरी डे बनाते हैं। अदरवाइज आप दोनों आटे भी मिक्स कर सकते हैं। बट यस प्लीज़, अगर जो दाल का, जो हम मूंग दाल बोलते हैं, आप मूंग दाल मत यूज़ कीजिए आटे में, सिर्फ जो ज्वार का आटा है आप वो खा सकते हैं, जिसको बार्ले बोला जाता है, या फिर वीट जो हमारी गेहूं होती है आप वो खा सकते हैं, या फिर आप ओट्स का जो आटा, जो हम घर में भी ग्राइंड कर लेते हैं, आप उसका भी बना के खा सकते हैं। प्लस 2 रोटी के साथ ये जो मैंने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की सब्ज़ी बोली वो, प्लस उसके साथ एक कटोरी, एक नहीं तो एटलीस्ट 1/2 बोल जो सैलेड का है आप वो खाएं, प्लस उसके साथ लो फैट योगर्ट, लो फैट कर्ड हम जिसको बोलते हैं, मार्केट में आजकल बहुत आराम से अवेलेबल होता है। अब न्यूजीलैंड में तो बहुत आसानी से मिलता, आई एम श्योर बाकी सब जगह पे भी मिलता होगा, और मिलता ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि यूजली इंडिया में कैसा होता है कि लोग घर पे बनाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप लो फैट कर्ड ही लें और 1/2 कटोरी लें, 1/2 बोल। और अगर आप उसका रायता बनाना चाहते हैं तो आप रायता बना के खा सकते हैं, लेकिन दही ज़रूर खाएं लंच में, ओनली लंच। ये मेरा हैवी मील होता है जो लंच टाइम का होता है, और यही आपने मेन फोकस करना है। आफ्टर दिस लंच के बबाद मैं तकरीबन 3 बजे के आसपास है, मैं फिर से एक फ्रूट लेती हूँ, अगेन सेम आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। फिर घर आने के बाद मैं मुझे आई वॉज वेरी मच यूज टू ऑफ कॉफ़ी, मैं टी लवर नहीं थी, मैंने कभी भी शुरू से चाय नहीं पी थी क्योंकि मेरे घर में चाय नहीं चलती थी, सो मैं कॉफ़ी बहुत पीती थी। लेकिन जस्ट क्योंकि मुझे अपनी हैबिट्स चेंज करनी थी, मैं ये नहीं बोल रही कि चाय के साथ आपका वेट लॉस हो जाएगा, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि कैलोरीज का थोड़ा सा जैसे होता है, तो मैंने वो चेंज किया खुद को। तो मैंने नॉर्मल जो हम अपने घर में चाय बनाते हैं इवनिंग टाइम में, लेकिन चाय से पहले मैं बता दूँ, मैं भूल गई, चाय से पहले मैं घर पहुँचते ही, जैसे मैं घर तकरीबन, डिपेंड करता था, मैं हर रोज़ अलग दिन अलग टाइम होता था, तो घर पहुंच के पूरा एक बॉटल, जो 1 लीटर की बॉटल होती है, मैं नींबू पानी पीती थी, गरम करके नहीं पीती थी, कोई चीनी, कुछ शक्कर, कुछ नहीं डालती थी, नॉर्मल जो हमारा, मैं पिंक सॉल्ट डालती थी, जो पिंक हिमालयन सॉल्ट आता है, तो पिंक हिमालयन सॉल्ट जो है 1/2 स्पून उसका, प्लस एक पूरा नींबू डाल के वो पूरा 1 लीटर का पानी पीती थी। फिर उसके आधे घंटे के बाद में हम जो हमारी इंडियन टी बनाते, और अब मैं आपको बता दूं, जब आप इंडियन टी बनाते हैं तो उसमें भी आप मेक श्योर करें कि 70% जो है सिर्फ पानी होना चाहिए, दूध की चाय आपको नहीं पीनी क्योंकि आप वेट लॉस कर रहे हैं, तो 70% जो है
पानी डालें, फिर उसके बाद जो बाकी बचा कुचा है वो आपको सेम जो मैंने पहले बोला कि लो फैट मिल्क ही यूज़ करना है, वो फिर चाय में डालें। बाकी आप चाहे जो आप अपने मसाले जो भी डालते हैं आप वो पिए। तो मैं दिन में सिर्फ एक ही बार शाम को आके पीती थी, और उसके साथ बिस्किट्स। उससे पहले आप जो रोस्टेड चने आते हैं तो आप 1 टेबल स्पून खा सकते हैं जस्ट एज ए स्नैक्स। लेकिन चाय के साथ मैं आपको दिखा दूँ, मैंने ये बिस्किट्स यूज़ किए हैं, ये बेलविटा के, यहाँ आई एम श्योर बाकी सब जगह पे भी मिलते होंगे, बेलविटा इसको बोलते हैं, और ये होल ग्रेन्स है, होल ग्रेन्स का है, और कैलरीज वैलरीज भी बहुत कम होती हैं। और मैं ये बता दूँ कि ये भी शुगर फ्री है, प्लस इसमें फाइबर भी काफ़ी है। एक तो ये बिस्किट्स हैं जो मैंने यूज़ किए हैं, सिर्फ 2 बिस्किट्स आपको चाय के साथ लेने हैं, ओनली 2 बिस्किट्स, 3 नहीं 4 नहीं, सिर्फ 2 बिस्किट्स। प्लस आज ही मैंने ट्राई किए हैं ओट्स बिस्किट्स, आप देख सकते हैं ओट जिंजर बिस्किट्स। सो कहने का मतलब है अगर आपके पास ये वाले 2 बिस्किट्स अगर अवेलेबल नहीं है तो इंडिया में या कहीं भी ब्रिटानिया के जो बिस्किट्स आते हैं, मारी गोल्ड जिसको बोलते हैं, आप मारी गोल्ड भी खा सकते हैं। आई थिंक मारी गोल्ड से ज़्यादा अच्छा और कोई बिस्किट नहीं होगा, तो आप मारी गोल्ड बिस्किट यूज़ कर लें। आप ओट्स के जो शुगर फ्री बिस्किट्स आते हैं आप वो यूज़ करें। आप होल मील के या होल ग्रेन वाले जो वीट मील वाले जो डाइजेस्टिव बिस्किट्स आते हैं, और कोशिश करें शुगर फ्री ही लें, तो सिर्फ 2 बिस्किट्स, अदरवाइज़ जो मारी लाइट या मारी गोल्ड के जो आते हैं आप वो 2 बिस्किट्स चाय के साथ ले सकते हैं। ये आपका इवनिंग का है, शाम को जो आपने लेना है। फिर उसके बाद आप डिनर जो है, आई वुड एडवाइस कि डिनर आप 7:30 मैक्सिमम 7:30 से पहले पहले अपना ले लें। ये डिपेंड करता है, यूजली ऐसा बोला जाता है कि सोने से पहले 2 घंटे पहले आपने खाना खाना है, बट मैंने ऐसा किया है यहाँ पर, मैं 7 या मैक्सिमम 7:30 बजे तक अपना डिनर कर लेती थी, क्योंकि उससे आपको इनफ टाइम मिल जाता है, आप वॉक भी कर लेते हो, आपकी बॉडी में आपने जो खाया डाइजेस्ट भी हो जाता है। सो वो आपको हेल्प भी करता है कि आप वेट लूज़ जो है अपने ईजीली कर पाए। तो मैक्सिमम 7:30, डिपेंड करे आपके टाइम पे कैसे चलता है, लेकिन यस आई वुड से 7:30 बजे तक, 7:30 PM तक कोशिश करें कि आप अपना डिनर कर लें। और डिनर में मैं आपको बता दूं कि डिनर भी अब एवरी डे मेरा डिफरेंट होता था। अब जैसे मैंने क्या किया कि मैंने इन 3 हफ्तों में मैं कोशिश करती थी डिनर में 3 बॉयल्ड एग्स, 3 वाइट बॉयल्ड एग्स, विच मीन्स का उसका जो अंदर का येल्लो पार्ट है, योग जिसको हम बोलते हैं, तो मैंने वो बिल्कुल निकाल दिया था। 3 वाइट एग्स, ओनली 3, उन 3 वाइट एग्स का या तो आप ऑमलेट बना सकते हो या फिर आप बॉयल्ड खा सकते हो बीच में से येल्लो निकाल कर, मैंने वो किया। प्लस मैं उसके साथ एक फिर से बहुत बड़ा बोल जो होता है, मैंने सैलेड खाया है, ग्रीन सैलेड्स में आपका हर एक चीज़ आती है, आप क्यूकम्बर खा सकते हो, मार्केट में बहुत कुछ लैटियोस है आप वो भी खा सकते हो, तो आपने सैलेड सबसे ज़्यादा खाना है। ये मैं करती थी, मैंने उसी के बीच में मैंने एक दो बार मैंने इनफैक्ट 1 वीक मैंने रेगुलर ऐसे ही एग वाइट्स मैंने ज़्यादा यूज़ किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए हैं मैंने, बट मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ। और जब आप ये डिनर ऐसे करते हो या नेक्स्ट डे आप अगर आप एग्स एक दिन खा लिए, नेक्स्ट डे आप एग वाइट नहीं खाना चाहते, तो नेक्स्ट डे आई वुड एडवाइस कि नेक्स्ट डे आप ग्रीन वेजिटेबल्स का बोल खा सकते हो। आपने सब्जी बनाई जो हरी सब्जियाँ, पालक हो गया या फिर पार्सले हो गया, गोभी हो गई, ब्रोकली हो गया, जो भी, बट ओनली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सिर्फ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कोई दाल नहीं, कोई कुछ और नहीं, कोई हम जैसे हम बोलते हैं वो छोले होते हैं, नहीं प्लीज़ वो सब नहीं खाना है डिनर में, प्लीज़ बिल्कुल नहीं, अवॉइड करें उसको। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के आप 2 बड़ी कटोरियाँ जो सब्जी की होती हैं आप वो खा सकते हैं डिनर में, और अगले दिन आप फिर से वही रिपीट कर सकते हैं
ग्रीन सॉरी एग वाइट जो रहेगा आप वो खाएं, और उसके साथ जो है आप सैलेड खा सकते हैं। फिर सोने से पहले या सोने से 1 घंटा पहले आप मिल्क पिएं, लो फैट मिल्क जो है फिर से पिएं। अब आप उसमें आप शुगर फ्री ही पिएं, शुगर ना डालें तो बहुत अच्छा, स्टीविया डालना चाहते शुगर फ्री अगर आप डालना चाहें डालें, लेकिन शुगर या ब्राउन शुगर वगैरह कुछ मत डालें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने यही सब खा के, और हाँ प्लीज़ 10 ग्लासेस और मैक्सिमम 12 ग्लासेस ऑफ वाटर दिन में आपने पीना है, बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप जैसे मेरी आदत है कि मैं प्लेन वाटर ज़्यादा नहीं पी सकती, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं उसमें नींबू डाल देती थी तो मेरे लिए पीना आसान हो जाता था। या फिर ग्रीन टी है, मार्केट में ग्रीन टी भी मिलती है, आई एम सो यूज्ड टू ऑफ ग्रीन टी। अब मैं ऑफिस में जब बैठती हूँ तो मैं यही काम करती हूँ, मैं आराम से बैठ के वहाँ पे जैसे ही उठती हूँ अपनी चेयर से तो मेरे पास बड़ा मग है वहाँ पे, तो मैं उसको भर भर के ग्रीन टी बना बना के, बट प्लीज़ ज़्यादा ग्रीन टी भी नहीं पीनी है। अब चाहे मार्केट में कैफिन फ्री ग्रीन टी भी आ गई है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, बट आई वुड से कि ज़्यादा ग्रीन टी भी ना पें, बट यस ज़रूर पिए, पीना ज़रूर है दिन में। अगर आपको ग्रीन टी पसंद नहीं है तो फिर आप डेफिनेटली आप मेक श्योर करें कि आप 10 ग्लास या 12 ग्लास पानी के ज़रूर पीते हैं। और पानी खाना जब आप खाते हैं तो खाना खाने से, चाहे आपका लंच है चाहे आपका डिनर है, तो उससे पहले आपने आधा घंटा पानी पीना है, उससे पहले पानी पी लेना है आपने। खाना खाने के बाद 1 घंटा पानी नहीं पीना, लेकिन उससे पहले पहले आपने पानी पी लेना अपना डिनर या लंच करने से पहले। तो जी, और ये सब एवरी डे मैंने 45 मिनट्स की वॉक की है। इनफैक्ट मेरी वॉक ज़्यादा हो जाती थी, मेरी तो 1 घंटे की वॉक हो जाती थी, क्योंकि मैं शाम को ऑफिस से चल के घर पर आती थी, और मेरे ऑफिस से घर तक जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो तकरीबन 1 घंटे का है। तो हालांकि मैं टायर्ड बहुत होती थी, लेकिन मैं डिटर्मिंड थी कि मुझे करना है, तो इसलिए मैं ऑफिस से चलकर घर पर आती थी, तो मेरी तो बड़ी आराम से 1 घंटे की वॉक हो जाती है। बट जैसे छुट्टी का दिन है और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बट प्लीज़ 45 मिनट्स की वॉक एवरी डे ज़रूर करें, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी की मूवमेंट होना, आपका फ्रेश होना, फ्रेश एयर खाना, ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। जो वेट लॉस होता है, जो हमारी बॉडी की इतनी जो डिस्टरबेंस होती है वो सिर्फ खाने से नहीं होती है, वो आउटर फैक्टर्स भी होते हैं। मैंने जैसे बोला कि हमें स्ट्रेस है, आजकल की लाइफ में बहुत स्ट्रेस होता है, सो स्ट्रेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपको नहीं पता चलेगा लेकिन स्ट्रेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सो वो स्ट्रेस भी आपको अफेक्ट करता है। सो इसलिए प्लीज़ 45 मिनट्स की वॉक एवरी डे ज़रूर करें। तो जी ये तो था मेरा प्लान जो मैंने आपके साथ शेयर किया, मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। मैंने आपको बताया 55 से 51.7 केजी तक मैं आ गई हूँ 3 हफ्तों में, तो मेरे लिए ये मैजिक है। अब मैं ये वीक से, विच मीन्स कल से, कल संडे है तो मैं कल से, आज मैंने फिर से नया प्लान बनाया है, तो मैं कल से नया प्लान फॉलो करूँगी क्योंकि पिछले 3 हफ्तों से मैंने वो सब फॉलो किया था। और प्लीज़ मैं ये बताना भूल गई हूँ जो नॉन वेज लवर्स हैं, क्योंकि मैं खुद भी नॉन वेज खाती हूँ, मैं फ़िश खाती हूँ, मैं चिकन भी खाती हूँ, तो अगर आप नॉन वेज हैं तो नॉन वेज चिकन खाते हैं फ़िश खाते हैं, तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने डाइट प्लान में यही ये जो 3 वीक्स थे मैंने इसमें चिकन भी खाया है, लेकिन ओनली ड्यूरिंग डिनर टाइम पे मैंने खाया। तो मैं पूरा एक बोल जो होता है चिकन ब्रेस्ट, जिसको मैं ज़्यादा लाइक करती हूँ चिकन ब्रेस्ट, तो मैं चिकन ब्रेस्ट मैंने खाई है एक पूरा बोल भर के। आप उसको बेक कर सकते हैं आप, बट प्लीज़ याद रखें कि चिकन ग्रेवी नहीं खानी है आपने, चिकन को बॉइल्ड चिकन खाना है, चिकन ग्रेवी का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप चिकन ग्रेवी वेवी बना रहे हैं वो नहीं। और ऑयल मैं बता दूं, प्लीज़ 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 ऑलिव ऑयल यूज़ करें या कोकोनट ऑयल यूज़ कर ले, वो ज़्यादा हेल्थी होते हैं। जैसे आजकल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आ रहा है तो आप वो यूज़ करें, एंड ओनली 1 टेबल स्पून
खाना एक टेबल स्पून से भी बहुत अच्छा बनता है, बाकी आप पानी यूज़ करके कर सकते हो, बहुत टेस्टी बनता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको चम्मच भर भर के तेल डालना तभी खाना अच्छा बनेगा, ऐसे नहीं होता हमारे, हम इंडियंस अक्सर ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सो मेक श्योर कि आप ओनली 1 टेबल स्पून यूज़ करते हैं इवन फॉर चिकन। अब चिकन मैं कैसे करती थी, खैर चिकन में तो मैंने ऑयल, मैंने एक ही दिन मैंने यूज़ किया है ऑयल, बाकी दिनों में मैंने चिकन, मैंने बॉइल्ड चिकन खाया है। अब बॉइल्ड चिकन तो बहुत आसान है, सिंपल, आप पानी डालोगे, थोड़ा सा चिकन डालो, उसको वेट करते रहो, जैसे 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 वो कुक होता जाता है आप उसमें जो है एक आधा आधा नींबू उसमें डालो, जैसे जैसे कुक होता जा रहा है नींबू डालो उसके ऊपर। आप मार्केट में मसाले आते, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसाले मत यूज़ करें, कोशिश करें कि नमक डाल ले उसके ऊपर, जो माइल्ड वाली जो चिली आती है आप वो डाल सकते हैं, और अगर आप ग्रीन चिली डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। ब्लैक पेपर, इसमें ब्लैक पेपर बहुत काम आता है, एंड कोरिएंडर, कोरिएंडर डालें तो आप बॉइल्ड चिकन ब्रेस्ट खा सकते हैं। अगर आप चिकन लवर हैं या आप नॉन वेज लवर हैं तो डेफिनेटली आप उसको खा सकते हैं। मैंने अभी तक ये सारा 3 हफ्तों में ट्राई किया, तो आज मैं अपना नया प्लान बनाने वाली हूँ। तो मैं अब नेक्स्ट वीक अपने पे आजमाने के बाद, कोशिश करने के बाद आपके साथ फिर से शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि आज के दिन 51.7 kg से, अब जब मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करूँगी अपना डाइट प्लान कि मेरा वेट कितना कम हो गया है। तो तब तक आप मेरी वीडियो देखते रहिए। और एक चीज़ और कि कल मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ, वो डाइट प्लान के बारे में नहीं है, वो मैं कल जू में जाने वाली हूँ, वेलिंगटन जू में, मेरे घर के ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि कल संडे है तो सनी वेदर भी है, तो आई थॉट क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। तो आप प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खूब पानी पिए, हेल्थी फूड खाइए, और अगर आपको मेरा ये डाइट प्लान पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए, अच्छे से फॉलो कीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग या क्रैश डाइटिंग प्लीज़ मत कीजिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मत कीजिए, क्योंकि जितना कम होता है वेट उससे डबल ट्रिपल वापस बहुत जल्दी आ जाता है। सो इससे अच्छा है कि खा पी के ही कम किया जाए। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।